Today we will learn the how to blur the image. जो थोड़ी सी डिम की जाती है उसको ब्लरिंग कहते हैं. तो उसके दो मेथड है, गॉसियन ब्लर एंड मीडियन ब्लर. फॉर गॉसियन ब्लर, टू मेक अ इमेज ब्लरी यू कैन यूज अ गॉसियन ब्लर मेथड ऑफ ओपन सीवी. उसके लिए हमें ओपन सीवी का गॉसियन ब्लर मेथड यूज करना पड़ेगा. द गॉसियन ब्लर यूजेस द गॉसियन कर्नल. अब गॉसियन ब्लर के लिए हमें गॉसियन कर्नल चाहिए होता है. दिस इज अ मेन पोर्शन ऑफ योर प्रोग्राम. द हाइट एंड गॉसियन विड्थ ऑफ द कर्नल शुड बी पॉजिटिव एंड ऑड नंबर. और वो कैसा होना चाहिए, कर्नल का हाइट और विड्थ पॉजिटिव और ऑड नंबर. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, दैट इज सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई रेस्पेक्टिवली. और फिर आपको डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई. If only one is specified, both are considered the same. और अगर एक आपने डिफाइन किया तो आपको दोनों को वो अपने आप दोनों को सेम मान लेगा. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. इम्पोर्ट सी वी टू इमेज इक्वल्स टू सी वी टू इन आई एम रेड लव डॉट जे पी जी. लव डॉट जे पी जी इज द इमेज फाइल नेम. Then CV2, I am show original image IMG. Then I am showing the love image. Then what is the attribute of the Gaussian blur? The Gaussian blur attributes are source, k size, sigma x, destination, sigma y, and border type. But we will take few. Blur image equals to CV2 Gaussian blur image and 7, 7, 0. Here I will take a source image and then 7, 7 is the sigma x and sigma y and 0 is the border. Then CV2 I am show Gaussian blur image, blur image. This time it will show the blur image, Gaussian blur image, and CV2 wait key will halt your screen for some time. And if the above snippet, the actual image is passed to the Gaussian blur along with the height and width of the kernel and xy direction. The comparison of the original and blurry images as follows. अब हम आपको run करके इसको दिखाते हैं कि ये कैसा आता है. जब आप run करिएगा तो ये आएगा original image and Gaussian blur image. तो ये image bright और ये थोड़ी सी dim हो गई है. तो blurry में क्या होता है, image थोड़ी सी dim हो जाती है. यहाँ पे जो डार्क लाइन दिख रही है और यहाँ पे डिम हो गई है. सो दिस इज अ गॉसियन ब्लर. नाउ सेकेंड एट्रीब्यूट इज, सेकेंड मेथड इज मीडियन ब्लर. मीडियन फॉर मीडियन ब्लरिंग, मीडियन ब्लरिंग द मीडियन ऑफ ऑल द पिक्सल ऑफ द इमेज इज कैलकुलेटेड इनसाइड द कर्नल एरिया. अब जितनी भी पिक्सल है उसके मीडियन हम लोग का कर्नल एरिया के अंदर कैलकुलेट होता है. द सेंट्रल वैल्यू इज देन रिप्लेस विद द रिजल्टेंट मीडियन वैल्यू. तो सेंट्रल वैल्यू जो उसकी होती है वो मीडियन वैल्यू से रिप्लेस होती है. मीडियन ब्लरिंग इज यूज व्हेन देयर आर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इन द इमेज. जब हल्की हल्के डॉट डॉट वाली आपको नॉइज दिखती है इमेज में तो वो मीडियन ब्लरिंग होती है. तो अप्लाई मीडियन ब्लरिंग यू कैन यूज द मीडियन ब्लर मेथड ऑफ ओपन सीवी. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर वी हैव अ सॉल्ट एंड पेपर नॉइज इन द इमेज. अब आप ये नीचे जो हम बता रहे हैं उसको कंसिडर करिए और लर्न कीजिए मीडियन ब्लर को. इम्पोर्ट सी वी टू इमेज इक्वल्स टू सी वी टू इमेज वॉव डॉट जे पी जी. दिस इज द इमेज नेम एंड देन द एट्रीब्यूट ऑफ द मीडियन ब्लर. मीडियन ब्लर में सोर्स लेगा, कर्नल साइज लेगा और डिस्टेंस लेगा. ब्लर डेस्टिनेशन लेगा. सो ब्लर इमेज इक्वल्स टू सी वी टू मीडियन इमेज comma 5. Now blur image is the destination image. So CV2 median blur image comma 5. 5 means this will apply 50% noise in the image along with the median blur. Now show the image. अब आप 50% image को blur करके आपको blur image बना के देगा और दोनों को अब हम display करेंगे. CV2 image show original image IMG. CV2 image show median blur comma blur image and then CV2 weight key 0. The result will be like the following. अब हम दोनों
को एक साथ रन करते हैं, पहले गॉसियन ब्लर फिर मीडियन ब्लर। तो गॉसियन ब्लर हमने पहले भी दिखाया था आपको कि ये डिम कर देता हल्का से, अब हम इसको रन करेंगे मीडियन ब्लर। मीडियन ब्लर में देखिए जगह जगह से काला लाइन जो है वो थोड़ी सी ब्लैक लाइन गोज आउट चली गई है थोड़ी थोड़ी, और हल्का सी नॉइज आ गया है इसमें। तो गॉसियन ब्लर में डिम करता है और इसमें थोड़ा सी नॉइज दे देता है। नॉइज मीन्स पिक्सल थोड़ी सी दिखने लगती है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई एम टीचिंग गॉसियन ब्लर एंड मीडियन ब्लर। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच समथिंग एल्स, सो वेट फॉर दैट। टिल नाउ एंड रीड इट and comment it if anything is not clear, then please tell me. I will answer you. Thank you viewers, please share and subscribe. आप लोग subscribe ही नहीं करते, दिन भर बैठे हम देखते रहते, कोई subscription ही नहीं आता था। इतने लोग देखते हैं मेरा video लेकिन कोई subscribe नहीं करता। Please subscribe किया कीजिए, share किया कीजिए, like किया कीजिए, comment भी नहीं कर पाते आप लोग। और मेरे सोशल मीडिया लिंक को फॉलो करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए टू गेट मोर व्यूज। थैंक यू व्यूवर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।